जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है 21/12/2017 में, आज की डेट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के 65 से 70 क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्षमा में छा वर्ड कैसा है। नेक्स्ट है वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1977 से 78 में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे। तो 1977 से 78 में मध्य प्रदेश के सीएम थे श्री कैलाश चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था कि 12 संख्याओं का औसत 6 है, यदि इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 8 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवर ऑफ प्लेजर नदी कौन सी है। तो गिवर ऑफ प्लेजर नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में बट्टू भाई किस चीज के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो वनस्पति रिसर्च सेंटर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिंड का किला कहाँ है। तो भिंड का किला है अटेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को ईमेल सेंड करने के लिए सब्जेक्ट डालना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि मंत्री कौन थे। तो भारत के कृषि मंत्री हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई। तो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना 13 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मांस और मांस बेचने का अधिनियम कब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है। तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी विश्व कप 2016 का मैच कौन जीता था। तो कबड्डी विश्व कप 2016 का मैच भारत जीता था ईरान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि संघ घोष को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर कहाँ की निवासी थी। तो दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना से एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना के अलावा और किस जिले में फैला है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना के अलावा छतरपुर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरछा किस जिले में स्थित है। तो ओरछा टेकमगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी में किस धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं। उदयगिरी में किस धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पादप विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवर ऑफ प्लेजर किस नदी का नाम है। तो गिवर ऑफ प्लेजर नर्मदा नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंड का परिषद जिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम ताल योजना किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी खेती नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMKKKY किसके लिए है। PMKKY किसके लिए है। तो PMKKY प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा में मध्य प्रदेश सरकार को 2017 में कितनी राशि मिली। तो मनरेगा में मध्य प्रदेश सरकार को 2017 में 1,40,716.2 लाख राशि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में किसानों के उपकरण की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो मध्य प्रदेश में किसानों के उपकरण की ट्रेनिंग बुधनी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR किस क्षेत्र में अवार्ड देती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि संघ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवास के लिए कितनी राशि दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायत परीक्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और पंचायत का लेखा जोखा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग कंप्यूटर से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन ये था कि MS Excel 2007 में नेम कमेंट ऑप्शन किसमें आता है? एमएस एक्सेल 2007 में नेम कमेंट ऑप्शन किसमें आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल सीट में होता है, तो एक्सेल सीट में क्या होता है? रो होता है या कॉलम होता है? तो बताइए आप लोग क्या होता है, रो या कॉलम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम और हार्डवेयर में इंटरफेस कौन होता है? प्रोग्राम और हार्डवेयर में इंटरफेस कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल के सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या कौन सी की यूज करते हैं? एक्सेल के सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, परमानेंट स्टोर करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का संबंध किससे है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2007 एमएस वर्ड में जूम ऑप्शन किस टैब में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में होता है क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में कौन सा प्रत्यय है? तो नयन में अयन प्रत्यय है, नयन में जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय होगा अयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के चेतक वाले दोहे में अलंकार से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा रचना पत्रिका ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाक किस प्रकार का वर्ण है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं ये पूछा गया था कि वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्मदन का अनुमान था? तो मध्य प्रदेश में कुल 2016-17 का अनुमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जिनका हल करके आप इन क्वेश्चन के आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कि 20 छात्रों का औसत भार की गणना 90 किलोग्राम थी, लेकिन भूल से एक छात्र का भार 80 किलोग्राम के स्थान पर 60 पढ़ लिया गया, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्रावास में सभी 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है, 60 छात्रों के लिए वही भोजन कितने दिन तक पर्याप्त तो होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर है, 1540 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 से तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेल की लंबाई बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 10 तथा 12 दिन में भर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिनों में भर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है और बी अकेला 18 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में काम और भरेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ये पूछा गया था, 4 सही 4/37 को दशमलव में निरूपित करने पर 17वां पद क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने 65 से 70 क्वेश्चन पर एनालिसिस किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन में क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।